अनीता और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल ब्रिस्टे। तो चलिए आज हम बात करते हैं कि ये जो आर्किटेक्चर ऑफ लिनक्स होता है वो क्या होता है। जैसे कि हमने पिछले ट्यूटोरियल में पढ़ा था कि लिनक्स क्या होता है, हिस्ट्री ऑफ लिनक्स, हिस्ट्री ऑफ यूनिक्स, ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी हैं, ठीक। तो उसका आर्किटेक्चर क्या होता है, उस ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, ये हमने पिछले ट्यूटोरियल में जाना है। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ इस वीडियो को देख लीजिए, तो आपको ये और अच्छे समझ में आएगा, ठीक। तो चलिए आज हम देखते हैं आर्किटेक्चर ऑफ लिनक्स। तो लिनक्स का आर्किटेक्चर देखने से पहले हमको विंडोज का आर्किटेक्चर देखना होगा, ठीक। और कंपेयर करते हैं कि विंडोज का आर्किटेक्चर और लिनक्स का आर्किटेक्चर में दोनों में क्या डिफरेंस है, क्यों विंडोज की अपेक्षा ज़्यादा सिक्योरिटी देता है लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक। और हम आपको ये बता दें कि विंडोज और लिनक्स में ज़्यादा बेटर लिनक्स होता है, लेकिन कब, जब सर्वर का यूज़ किया जाता है, सर्वर के थ्रू हमें ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज करना होता है। यदि सिर्फ हम विंडोज का करें तो नॉर्मली हम कर सकते हैं, ठीक है ना। तो हम इस तरह से जान सकते हैं कि ये क्या होते हैं। तो हम ये देख रहे हैं इसका विंडोज का आर्किटेक्चर, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम का आर्किटेक्चर, ठीक। तो हम अभी क्या देख रहे हैं, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम का आर्किटेक्चर देख रहे हैं। इसके बाद हम लिनक्स का देखेंगे कि और दोनों में क्या डिफरेंसेस हैं, ये देखेंगे, ठीक है ना। तो इसमें क्या होता है कि चार स्टेप में होता है। सबसे पहला क्या होता है, यहाँ पर हम सबसे पहला होता है हार्डवेयर, ठीक। इसके बाद होता है अपना कर्नल, और कर्नल के बाद क्या होता है सॉफ्टवेयर, और सॉफ्टवेयर के बाद क्या होता है यूजर, ठीक। तो क्या करता है कि जो यूजर होता है, ठीक, जो यूजर होता है वो किसमें काम करता है, किसी न किसी सॉफ्टवेयर के माध्यम से कंप्यूटर में काम करता है। अगर सॉफ्टवेयर्स नहीं होंगे तो कंप्यूटर में काम करने का कोई मीन्स नहीं होगा, क्योंकि वो कुछ काम नहीं कर पाएगा, ठीक। तो जो यूजर होता है वो सॉफ्टवेयर में काम करता है, ठीक। और वो सॉफ्टवेयर हार्डवेयर को कैसे समझता है, जैसे कि हमने प्रिंट कमांड दिया, ठीक, कंप्यूटर को हमने प्रिंट कमांड दिया और वो प्रिंटर के थ्रू उस प्रिंट को, मतलब उस प्रिंट कमांड के थ्रू जिस भी पेज को हम प्रिंट कराना चाहते हैं उसे वो प्रिंट कर देता है। तो कैसे समझता है कि इसी पेज को प्रिंट करना है, और वो पेज ऑटोमेटिक काम जाता है और प्रिंट होके बाहर निकल आता है, ठीक। तो मतलब प्रिंट कमांड प्रेस करने से हमारा वो पेज तैयार हो जाता है, जिस पेज को हम सॉफ्ट कॉपी में रखते हैं तो वो हार्ड कॉपी में कन्वर्ट हो जाता है। तो क्यों हो जाता है, क्योंकि वो कर्नल के थ्रू समझता है उस बात को, ठीक। अब इसमें कहीं भी सिक्योरिटी की बात नहीं आई, सिक्योरिटी है लेकिन नॉर्मली है, बहुत हाई लेवल की सिक्योरिटी नहीं है। अब इसी में एक और स्टेप होता है, चलिए हम लिनक्स की बात करते हैं। सेल्फ प्रोग्रामिंग आपको ध्यान रखना होगा, हाँ। तो लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का आर्किटेक्चर कुछ इसी तरह से होता है, जैसे ये हमने लिखा है कि चार स्टेप में होता है, तो वो हमने पांच स्टेप में हो जाता है, लिनक्स का एक स्टेप बढ़ जाता है। तो इसमें जैसे हमने यूजर बनाया था, सॉफ्टवेयर बनाया था, फिर कर्नल बनाया था, ठीक। तो यहाँ पे क्या होता है लिनक्स में, ध्यान से समझिएगा इस बात को, कर्नल में जो यूजर होता है तो यूजर की फर्स्ट में होता है, वो सबके यहाँ होता है, फिर होता है सॉफ्टवेयर, ठीक। अब ये सॉफ्टवेयर, कर्नल, हार्डवेयर, ये सभी चीजें, तो यहाँ पे क्या आएगा, सेल, जिसकी हमने बात की थी सिक्योरिटी पर्पज। तो काम वही है, हार्डवेयर मीन्स आप समझते हैं कि जिसे छू सकते हैं हम, वो सारी चीज़ें हार्डवेयर होती हैं, ठीक। कंप्यूटर में जितने भी मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, हार्डवेयर होती हैं, ठीक। और कर्नल क्या होती है, जो ये ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम में कुछ फाइल्स होती हैं, उसे हम कर्नल के नाम से जानते हैं। उसमें महत्वपूर्ण फाइल्स होती हैं ऑपरेटिंग सिस्टम की, जिनसे, जिनके कारण वो समझ सकता है वो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच क्या मध्यस्थता यानी इंटरफेस प्रोवाइड कराता है, जिसके कारण जिस सॉफ्टवेयर से हम जो कमांड देते हैं वो हार्डवेयर समझता है, ठीक। और कर्नल वो फाइल्स होती हैं, महत्वपूर्ण फाइल, जिनके कारण समझता है ये हार्डवेयर, ठीक।
और ये सेल क्या होता है, सेल एक सिक्योरिटी पर्पज के लिए होता है, जिससे जैसे हम कह सकते हैं कि जैसे हम कंप्यूटर ऑन करते हैं तो लॉगिन के लिए आपका अकाउंट मांगता है, जैसे आपने यूजर अकाउंट बनाया है, ठीक, गेस्ट अकाउंट बनाया है, जो भी बनाया है वो आप मोबाइल में पैटर्न डालते हैं, वो सारी चीज़ें क्या होती है, सेल सेल प्रोग्रामिंग यानी सिक्योरिटी। और यूजर तो समझते हैं कि यूजर जो कंप्यूटर यूज करता हो, ठीक, जो कंप्यूटर को चलाता हो, मैनिपुलेट करता हो, ठीक, वो यूजर कहलाता है। और यूजर कहाँ पे काम करता है, एक कंप्यूटर मान लीजिए, उदाहरण के लिए बड़े अच्छे से समझते हैं इस बात को कि कैसे हम देखिए, ये हुआ एक कंप्यूटर, ठीक, ये कंप्यूटर हुआ और इस कंप्यूटर में एक यूजर बैठा हुआ है, ठीक, एक यूजर बैठा हुआ है जो क्या करता है, इस कंप्यूटर में काम करता है। तो किसके थ्रू करता है, किसी न किसी सॉफ्टवेयर जैसे एमएस वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, ये बहुत सारी चीज़ें होती हैं, ठीक, और लिनक्स में कमांड जो भी है, टास्क कमांड वगैरह बहुत सारी चीज़ें होती हैं सॉफ्टवेयर में, कोई भी सॉफ्टवेयर आप ले सकते हैं, फोटोशॉप, ठीक, तो पेंट, मतलब अनगिनत है सॉफ्टवेयर, तो ठीक वो सॉफ्टवेयर में काम किया। अब वो सॉफ्टवेयर में जो काम करते हैं, समझिएगा बात, वो सॉफ्टवेयर में हम जब काम करते हैं तो कैसे समझता है कि ये सॉफ्टवेयर में जो हम कह रहे हैं प्रिंट करने के लिए, तो प्रिंट ही करेगा, वो भी प्रिंटर के थ्रू, ठीक, वो सॉफ्टवेयर कर्नल के थ्रू, किसके थ्रू, कर्नल के माध्यम से, कर्नल के माध्यम से हार्डवेयर यानी जो प्रिंटर होता है, जो प्रिंटर होता है उसे बताता है करना क्या है, ठीक, ये कर्नल बताता है कि आखिर प्रिंटर को करना क्या है, तो प्रिंटर प्रिंट निकालता है, ठीक। और जो लिनक्स में होता है तो यही भी कर्नल और प्रिंटर, ठीक, जो हमने बताया ये कर्नल और हार्डवेयर, तो ये तो दोनों में सेम, ठीक है ना, तो यही पे जो हमने बात की थी यूजर और सॉफ्टवेयर और कर्नल प्रिंटर मतलब हार्डवेयर, ठीक ना, तो यहीं पे जो सॉफ्टवेयर होता है और करना इसी के बीच में सेल प्रोग्रामिंग काम करती है, ठीक है ना। आपको ये चीजें समझ में आ गई होगी कि लिनक्स का आर्किटेक्चर और विंडोज का आर्किटेक्चर क्या होता है। तो मिलते हैं हम आपको अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।